सिद्धार्थनगर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिले के नेतवर गांव की निवासी महिला ज्ञानमती अपने आप को जीवित साबित करने के लिए भटक रही है। मामला तब सामने आया जब शनिवार को ये महिला तहसील दिवस में शिकायत लेकर पहुंची। महिला का आरोप है कि खंड विकास अधिकारी ने उसे कागजों में मृत घोषित कर दिया है, जिसके कारण महिला का विधवा पेंशन रुक गया है। महिला ने बताया है कि वो विधवा पेंशन पा रही थी, लेकिन मुझे मृत घोषित कर मुझे विधवा पेंशन से वंचित कर दिया गया है। महिला ने अधिकारियों से जांच कर पेंशन दोबारा शुरू करने के सहित दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी संजीव रंजन का कहना है कि सत्यापन में चूक हुई होगी, आपके माध्यम से जानकारी मिली है, इसकी जांच कराई जाएंगी और अगर किसी भी तरीके की कमी मिलेगी तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। नहीं, मृत घोषित करने का क्या, उनका मृत प्रमाण पत्र पेंशन में जो नाम कटता है वो उसका हो सकता है कि जो आधार को आइडेंटिफिकेशन हो रहा होगा उसमें कहीं पर मिस किया होगा, कहीं पे मतलब उसका नहीं मिल पाया होगा या सूचना मिली होगी उस आधार पे हुआ। मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकारी कागजात में कोई मृत किया गया होगा। नहीं भी अगर आप बता रहे हैं तो हम इसकी जाते हैं, जांच कराने उसे जो चीज़ है उसको सही कराएंगे और अगर किसी भी गलत किसी ने जानबूझ में कोई गलत काम है तो उसके लिए सही भी होगी। महिला आई थी, अब ये मेरी जानकारी में आप लोग के माध्यम से आ रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ, नहीं कोई किसी कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, अगर मिस्टेक हुआ है तो उसको सुधार। तो ग्राम प्रधान ने मृतक बना दिया है एक महिला को और इसी के चलते जो है महिला लगातार गुहार लगा रही है कि अभी मैं जिंदा हूं और मेरी पेंशन रोकी ना जाए। तो विधवा पेंशन कई दिनों से वो ले रही थी, महिला जिंदा है लेकिन कागजों पे उसे मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके लिए महिला अब दर दर भटक रही है क्योंकि उसे मृत घोषित कर दिया है। वो लगातार प्रशासन के पास जा रही है कि उसे वो अपने आप को जिंदा साबित करे। तो ये तस्वीरें आपके साथ साझा करें जहां महिला हाथ में पोस्टर लेके खड़ी है और उसने लिखा है कि अभी मैं जिंदा हूँ। तो ग्राम प्रधान पर मृतक बनाने का आरोप लगाया गया है, खुद को जिंदा साबित करने के लिए महिला दर दर भटक रही है। महिला लगातार गुहार लगा रही है कि उसकी पेंशन दोबारा से शुरू की जाए। तो लिखा है साहब अभी मैं जिंदा हूँ। तो ये महिला पोस्टर लेके खड़ी है अपने घर के बाहर और लगातार यही गुहार लगा रही है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मेरी पेंशन दोबारा से बहाल की जाए। राकेश हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से इसको मृत घोषित किया गया और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है? महिला जो है तहसील दिवस में पहुंचती है अपनी फरियाद को लेकर, उसका कहना है कि मैं अभी जिंदा हूँ साहब, मरी नहीं हूँ। अपने जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रही है और तहसील दिवस में भी पहुंची लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है, जबकि वो महिला जीवित है। यहाँ की प्रशासन ने उसे मृत घोषित कर दिया, कागज में उसका पेंशन भी रुक गया है, जिससे वो अपने बच्चों का जीवन मतलब जीवकोपार्जन करती थी, लेकिन अब उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए हैं। जिस तरह से हुआ है तो अपने पेंशन पे बदौलत वो खाती थी और अपने बच्चों को भी खिलाती थी, तो इस तरह से सही उसके साथ हुआ कि उसका जो है मृतक घोषित कर दिया गया और अपने जिंदा होने के लिए वह दर दर की ठोकरें खा रही है, फरियाद लेने के लिए पहुंच गई है, साथ ही दिवस में भी पहुंची लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन राकेश, इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से कि एक जिंदा महिला को मृत घोषित कर दिया है कागजों पे। बिल्कुल, अब यहाँ प्रधान और जो है सेक्रेटरी की मिली भगत से ऐसा खेल होता, जब वही जिलाधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि ये मामला मैं जांच करवाऊंगा, जांच करवाने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की बात तो दूर है लेकिन महिला जब इस तरह से भटक रही है तीन दिन से चार दिन हो गए और ज्यादातर की ठोकरें खा रही है, जबकि वो जीवित है महिला और उसे मृत घोषित कर दिया गया। कितने महीनों पहले उसको मृत घोषित किया, कितने दिनों से पेंशन नहीं आ रही है उसके पास? उसका कहना है कि मैं जो है मार्च में राशन भी उठाई थी, मार्च में वो राशन ली थी तो मार्च के बाद से उसका पेंशन। जी राकेश, बने रहिए हमारे साथ, आपका फिर से रुक करेंगे। इस बीच हमारे साथ संजीव रंजन जुड़ चुके हैं, जिलाधिकारी है सिद्धार्थनगर के। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस पर।
देखिए, ये केस निकल के सामने आया है सिद्धार्थ नगर से, जहाँ के आप जिलाधिकारी है, कि एक महिला को जिंदा होने के बावजूद उसको मृत घोषित कर दिया गया, इतनी बड़ी लापरवाही। ये बात हमारी जानकारी में है और ये जिला समाज कल्याण अधिकारी को कहा गया है इसको सुधार कराने के लिए, क्योंकि ये जो पेंशन आता है त्रैमासिक आता है, तो अगली किस्त के पहले ये सारा सुधार के उनको मिल जाएगा। ये बात सामने आ रही है कि कई महीनों से जो है इनका पेंशन रुका हुआ है, तो एक घर की वो महिला। हाँ। जी कहिए। आपको बताया कि ये जो है त्रैमासिक आता है, तीन तीन महीने पे इसी किस्त आती है, तो अगली किस्त के अगली किस्त जो है इन्हें प्राप्त होगी अगर ये सही ढंग से सारा इनका सर्टिफिकेट वगैरह हो जाएगा तो। जिनकी तरफ से ये लापरवाही हुई है, अब ये संज्ञान में आने के बाद आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ये कार्रवाई हमने इसको सुधार करने की कार्रवाई की जा रही है और इसे निर्देशित कर दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही उच्च स्तर पे होती है और प्रशासन ध्यान भी नहीं देता है, इससे क्या सामने निकल के आता है? प्रशासन पूरा ध्यान देता है। हमारे यहाँ लगभग 80 से 90 हजार खाता धारक है जो पेंशन ले रहे हैं, तो एक कहीं किसी मानवीय भूल के कारण हुई होगी, तो उसको हम लोगों ने सुधार करा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में जो ये महिला लगी हुई है, क्योंकि उसकी विधवा पेंशन कई दिनों से रुकी हुई है और इस वजह से उसका घर नहीं चल पा रहा है। लगातार महिला ये गुहार लगा रही है कि मैं अभी जिंदा हूं, क्योंकि उसको कागजों पर मृत घोषित कर दिया है। राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, आपने डीएम को सुना होगा किस तरीके से उन्होंने कहा है कि तमाम कार्रवाई की जाएगी और महिला की पेंशन जल्दी बहाल होगी। फिलहाल कार्रवाई की बात तो वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उस महिला को न्याय नहीं मिल पाया है। अभी भी महिला जो है अपने को जिंदा साबित करने के लिए आपसों का चक्कर काट रही है। अब देखने की बात यह है कि जब जिलाधिकारी कह रहे हैं न्याय मिलेगा, लेकिन उसे न्याय कब मिलती है तो देखने की बात। कितने दिनों से चक्कर काट रही थी महिला और कब ये बात जो है वो संज्ञान में निकल के सामने आई, कब ये बात सबके बीच पहुंची? इसकी जानकारी तो जब महिला अपना जीवित साबित करने के लिए प्रमाण पत्र देने के लिए जब वो है तहसील दिवस में पहुंचती है, तब उसे प्रशासन संज्ञान में लेता है। अभी तक वो महिला दर दर की ठोकरें खा रही थी, आपसों का चक्कर लगा रही थी, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाया। जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, किस तरीके से अपने आप को जिंदा साबित करने की कोशिश ये महिला लगातार कर रही है, क्योंकि उसको कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसका घर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उनकी विधवा पेंशन रुक चुकी है, बच्चे हैं 3 और घर कैसे चलाए ये स्थिति अभी समझ में नहीं आ रही, किस तरीके से घर चले गई। और लगातार महिला की तरफ से यही गुहार लगाया जा रहा है कि मेरी पेंशन फिर से बहाल की जाए, क्योंकि कागजों पर महिला को मृत घोषित कर दिया गया है। ये महिला हाथ में लेकर खड़ी है, साहब अभी मैं जिंदा हूँ, ये लगातार इनकी तरफ से गुहार लगाई जा रही है। प्रशासन के ऑफिस में कई चक्कर काट रही है और अब मामला संज्ञान में आने के बाद से प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इनकी पेंशन बहाल की जाएगी, लेकिन कितने दिनों में पेंशन बहाल होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये तस्वीर आपके साथ साझा करें, ये वही महिला है जिनको कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया है, मृत बनाकर महिला की पेंशन रोक दी गई है कई महीनों से।